हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना? तो ह्यूमन बॉडी टॉपिक था मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी जिसे मानव शरीर कहते हैं, और सेंसरी ऑर्गन है वो स्टार्ट किए थे, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन को कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां। कल एक ज्ञानेंद्री पढ़ी थी, कान, ईयर के बारे में, कान के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज जो पढ़ेंगे वो है नेत्र, आई, आँख के बारे में डिस्कस करेंगे। नई ज्ञानेंद्रियां है आँख, आई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल एक बच्चे का कमेंट आया था, जेनरली कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। शायद कौन से लेक्चर की बात है, शायद उसने फर्स्ट सेकंड कौन सा लेक्चर देखा था कि मैडम जी पहले आप प्रैक्टिकल की स्पेलिंग लिखना सही सीख लो वरना बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो मैं भाई साहब ये बता देना चाहती हूँ कि एक स्पेलिंग के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। मुझे इतना पता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ईमानदारी के साथ में पढ़ा रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि मुझे गलती हो गई है मेरे से, कि मैंने प्रैक्टिकल की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तीन चार चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती है। एक चीज़ तो आपको समझानी पड़ती है, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है, कि ऐसा नहीं मैं यहाँ पे आऊँ और करके फिर चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ तो आपको समझानी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात है कि मुझे बोलना पड़ता है, क्या बोलना है अभी, फिर मुझे लिखना भी पड़ता है साथ साथ में, और फिर मुझे आगे इसके बाद में आगे क्या पढ़ाना है, ये सब चार पाँच चीज़ों को एक साथ माइंड में लेके चलना पड़ता है ना। हाँ, तो मानवीय त्रुटियां हैं, हो सकती हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ गलती को, कि छोटी छोटी जो त्रुटि है ये हो जाती हैं। हाँ, कमेंट में बता दिया करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बताइए मत, कमेंट में बता दिया करो कि ये स्पेलिंग है, ये मिस्टेक हुई है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर दूँगी। लेकिन ये नहीं कि एक स्पेलिंग के गलत हो जाने पर आप इतना बड़ा ब्लेम लगा सकते हो कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दोगे। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपकी ये थिंकिंग है, तो आप छोड़ के किसी दूसरे चैनल पे जा सकते हो। मुझे इतना पता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो ईमानदारी के साथ में पढ़ा रही हूँ और ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि भाई एक स्पेलिंग के मिस्टेक हो जाने से ऐसा नहीं होता है कि जो मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल गलत है, जिससे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो कृपया ऐसे ऐसे थिंकिंग से थोड़ा दूर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है आई, आँख है। आई के क्या गुण हैं? आई के गुण हैं कि आई एक मूल्यवान ज्ञानेंद्री है, एक सुग्राह्य अति संवेदी ज्ञानेंद्री है, जिसके बगैर इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते। अपनी परिवेश को देखना है तो हमें आँखों की ज़रूरत होगी। आप एक प्रयोग करिए, एक प्रैक्टिकल करिए कि एक अपनी आँखों को बंद रखिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, बंद करके आप कुछ चीज़ों को स्मेल के द्वारा, गंध के द्वारा कुछ चीज़ों को पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस चीज़ की स्मेल आ रही है। कुछ स्पर्श करके आप पहचान सकते हैं, या किसी चीज़ से ध्वनि उत्पन्न हुई है तो आप पहचान सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अपनी आँखों को बंद करके आपके सामने कौन सा क्या कलर है, इनके बारे में कल्पना करना शायद असंभव होता है। तो आई है वो हमें इस संसार को, इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने योग्य बनाता है। इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्री है, सभी ज्ञानेंद्रियों में, मैंने कल भी बताया था, सभी ज्ञानेंद्रियों में आई है वो इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्री है। जिस प्रकार से कैमरे में लेंस होता है,
उसी प्रकार से आपकी आई में भी लेंस होता है। मैं यहाँ पे कोने पे आई की स्ट्रक्चर है वो बना देती हूँ कि इस प्रकार से है वो, ऐसे गोलाकार, गोल तो नहीं बन रही है मेरे से, ऐसी आई स्ट्रक्चर होती है ना, इस प्रकार से एक ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व जाती है इस प्रकार से, ऐसे आई की स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे है वो ऐसे होती है आयरिश, यहाँ पे होता है ये आपका जिसे कोर्निया वाला पार्ट कहते हैं, वो होता है कोर्निया, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, ये होता है आयरिश, और ये वाला पार्ट होता है प्यूपिल, ये लेंस होता है लेंस, और इसके आगे वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट आयरिस के आगे, ये वाला होता है कौन सा, ये वाला होता है आपका प्यूपिल, प्यूपिल बीच में होता है और आयरिस है वो इसके दोनों ओर होता है। और इस प्रकार से एक कॉमन इसमें द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ये पीछे की ओर ये रेटिना वाला पोर्शन बनाता है। ये एक जनरल आई की स्ट्रक्चर हो गई। ये प्यूपिल है वो ऐसे बीच में होता है ऐसे ना, और लेंस ऐसे ये आगे की ओर ऐसे उभरा हुआ होता है, ऐसे उभरा हुआ एक गोलक रूपी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बीच में लेंस होता है और उसके बाद में आयरिस परितारिका होता है, और आपका सीलियरी मसल्स वगैरह भी इसमें पाई जाती हैं, यहाँ पे सीलियरी मसल्स होती हैं। तो इस प्रकार से आई की स्ट्रक्चर होती है। अब आगे की ओर अपन डिस्कस करते हैं कि जिस प्रकार से कैमरे में लेंस होता है उसी प्रकार से हमारी आई में भी लेंस होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनली कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना क्या है, रेटिना एक प्रकाश संवेदी जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है, रेटिना को जिसे प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही अंग है रेटिना, रेटिना जिस पर प्रकाश आता है और वहाँ पर प्रतिबिंब है वो बनता है। लाइट का मार्ग क्या होता है, लाइट किस हिसाब से आती है, लाइट सबसे पहले बाहर के एनवायरनमेंट से आँखों में एक पतली झिल्ली के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है, और उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है, उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है, या स्वच्छ मंडल भी उसे कहा जाता है। आप देख पाएंगे कि आपकी आँख में जैसे बीच वाला काला काला आप देख रहे हैं, उसके चारों जो सफ़ेद भाग है, उसकी जो पतली मेम्ब्रेन है, वो आपका कॉर्निया ही है। ऐसे मत समझ लेना कॉर्निया काला वाला, नो, कॉर्निया जो आपका सफ़ेद वाला पोर्शन है आँख का, उसे कॉर्निया कहा जाता है। तो उसके माध्यम से लाइट है वो आँख में प्रवेश करती है, कॉर्निया के द्वारा आगे की ओर एक नेत्र गोलक के अग्र भाग पर एक उभार का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वो कॉर्निया के द्वारा किया जाता है, और वो नेत्र गोलक का जो अग्र भाग होता है वो गोलाकार होता है, और एक पारदर्शी भाग का निर्माण किया जाता है। नेत्र गोलक की आकृति होती है, नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार होती है, और नेत्र गोलक का जो व्यास अगर पूछ लिया जाए तो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का जो व्यास है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से नेत्र गोलक की ये आकृति होती है।
और इसके बाद में जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, लाइट आती है तो उसके अधिकांश भाग का अपवर्तन कर दिया जाता है। उसके अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया का जो बाहरी पृष्ठ है, कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ है, उस पर आँखों में पड़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन कर दिया जाता है। क्रिस्टलीय लेंस क्या काम करता है? लेंस काम करता है कि जो फोकस दूरी है उसको बनाए रखने का काम लेंस के द्वारा किया जाता है, कि विभिन्न फोकस दूरी पर कोई वस्तुएं बना रखी हुई हैं तो कुछ वस्तु ज़्यादा फोकस दूरी पर, कुछ वस्तु कम फोकस दूरी पर, तो उन फोकस दूरी के बीच में जो सामंजस्य, जो समायोजन है वो करने का काम है वो लेंस के द्वारा किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर होती है, कॉर्निया के पीछे के भाग के ओर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है, जिसे परितारिका कहा जाता है, जिसे परितारिका कहा जाता है, परितारिका को कहा जाता है आयरस, आयरस कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे के भाग की ओर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे परितारिका कहा जाता है। परितारिका है क्या काम करती है? परितारिका काम करती है पुतली के साइज को कंट्रोल। एक पेशीय डायफ्राम होता है, मस्कुलर डायफ्राम होता है परितारिका, और वर्क इम्पोर्टेंट है क्या काम करता है? परितारिका काम करता है, आयरस काम करता है इसके जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली को कहा जाता है प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल। आप देख रहे हैं आपकी आँख में ऐसी ऐसी आपकी आँख है, इसमें एक ऐसी चमकदार सी स्ट्रक्चर होती है, वो लेंस होती है। उसके चारों ओर ऐसे गो काला घेरा होता है ना, उसके चारों ओर वो आपका होता है प्यूपिल, है ना, प्यूपिल। उसके चारों ओर काला घेरा होता है, वो प्यूपिल होता है। उसके चारों ओर भी ऐसे कुछ के ब्राउन कलर के ऐसे कुछ होते हैं, वो आपकी होती है आयरिस, ठीक है। और जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रख लेना। तो मैंने बताया जो प्यूपिल है, आयरिस क्या काम करता है? आयरस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और जो जो पेशीय डायफ्राम है। अब है जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस क्या काम करता है? अभिनेत्र लेंस है वो काम करता है, अभिनेत्र लेंस का काम होता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर उल्टा एंड वास्तविक प्रतिबिंब। अभिनेत्र लेंस है वो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम है वो अभिनेत्र लेंस के द्वारा किया जाता है। रेटिना है एक सूक्ष्म जिसे पतली, सूक्ष्म पतली झिल्ली होती है रेटिना। रेटिना एक सूक्ष्म पतली झिल्ली होती है जो कि कोमल होती है, और जिसकी क्या खासियत होती है कि रेटिना में विभिन्न क्या प्रेजेंट होते हैं? रेटिना में विभिन्न प्रकाश ग्राही सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिका है, लाइट को ग्रहण करने वाली जो सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? वो रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। अब एक चीज़, एक क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे सामने कोई वस्तु है, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो कोई वस्तु है, किसी वस्तु को जैसा है उसे वैसा ही कैसे देख लेते हैं? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है रेटिना पर।
ये सब कुछ डिपेंड करता है रेटिना में, जैसे लाइट आ रही है, लाइट में लाइट आ रही है तो रेटिना में जो प्रेजेंट प्रकाश सुग्राही सेल्स हैं ये एक्टिव होती हैं, ये सक्रिय होती हैं। सक्रिय होने के बाद में क्या करती हैं, एक्टिव होने के बाद में ये जो दृक तंत्रिका है ये विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं, विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल साइन उत्पन्न करती हैं, प्रकाश को लाइट को इलेक्ट्रिकल साइन में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकल साइन कन्वर्ट होने के बाद में जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व को कहा जाता है दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका में ये विद्युत साइन है वो जाते हैं, उसके बाद में ब्रेन में इनको ले जाया जाता है, ब्रेन इनकी व्याख्या करता है, इनको एक्सप्लेन करता है, इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद में अपन जो वस्तु है, जिसकी वजह से जो वस्तु है उसे उसी रूप में अपन देख पाते हैं। जब किसी दृष्टि की दृष्टि तंत्र का कोई भाग अस्तिग्रस्त हो जाता है, दृष्टि तंत्र का कोई भाग जब अस्तिग्रस्त हो जाता है, कोई भी भाग मान लो, तो देखने की क्षमता पर हमें भारी नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, तो लाइट आने का जो मार्ग है, जैसे कि आपका कोर्निया, जैसे कि प्यूपिल, जैसे कि आयरिस, जैसे कि ये मान लो कि नेत्र गोलक है, इन सब का जो लाइट आ रहा है वो मार्ग। उसके बाद में जो लाइट आ रहा है वो मार्ग, ठीक है। उसके बाद में रेटिना वाला मार्ग, रेटिना क्या काम करता है, रेटिना इलेक्ट्रिक प्रकाश को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में विद्युत संकेत में उत्पन्न करने का काम करता है रेटिना वाला मार्ग। रेटिना वाले मार्ग के बाद में आपका जैसे कि ये हो गया ऑप्टिक नर्व वाला मार्ग, है ना। कोई भी मार्ग हो, अगर उनमें किसी में भी विकृति आ जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो 100% चाक्षुष विकृति है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा, आपने अनुभव किया होगा, आप तेज प्रकाश से, तेज लाइट वाले माध्यम से प्रवेश से आप मंद प्रकाश वाले जैसे कि बाहर से, या बाहर तेज प्रकाश होता है तो आप मंद कमरे में आ रहे हैं, मंद प्रकाश वाले कमरे में आ रहे हैं, तो अचानक आप अनुभव करते होंगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आप चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। देन 1-2 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद में आप चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इसका ये रीज़न है कि जो आपका जो प्यूपिल है, जो पुतली है, प्यूपिल का परिवर्ती व्यवहार है, परिवर्ती द्वारक का व्यवहार है, वो प्यूपिल के द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा किया जाता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है आयरिस के द्वारा, परितारिका के द्वारा। कैसे कैसे आप चमकीले प्रकाश, चटकीले प्रकाश या बहुत ज़्यादा प्रकाश, जैसे कि कड़ाके की दोपहर हो, धूप हो, उसमें आप बाहर निकलते हो तो आपकी जो आँख है, आप बाहर निकलते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्यूपिस है, जो आयरिस है वो सिकुड़ जाता है, आयरिस है वो सिकुड़ जाता है, आयरिस पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। जैसे बाहर अगर तेज धूप है, ये समझ लो कि तेज प्रकाश है, ठीक है। तेज प्रकाश में क्या होगा, तेज प्रकाश में ये होगा कि जो आयरिस है, आयरिस परितारिका है, ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये सिकुड़ेगा तो पुतली के आकार को कम कर देगा। जब आयरिस सिकुड़ेगा, आयरिस जब सिकुड़ेगा तो पुतली का आकार है ये कम हो जाएगा। पुतली का आकार कम इसलिए होगा ताकि ज़्यादा प्रकाश आँख के अंदर ना पहुँच पाए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कम प्रकाश में होते हो, कम प्रकाश में होते हो तो आयरिस है, परितारिका है, ये शिथिल हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। शिथिल हो जाने का तात्पर्य ये होगा कि ये प्यूपिल है, प्यूपिल पुतली का आकार को, पुतली के आकार को ये बढ़ा देगा,
बढ़ा देगा, है ना, जिसकी वजह से जो आपका प्रकाश है वो अधिकतम आंखों के अंदर पहुंच पाएगा। जैसे कि मान लो आप, आपके साथ में ऐसा होता होगा, मेरे साथ में तो होता है कि आप बाहर होते हो, आपकी आंखें ऑटोमेटिक ऐसी हो जाती है ना, इसी हिसाब से आपकी आंखें हो जाती है ऐसे तेज प्रकाश में होते हो, और जैसे आप मंद प्रकाश में आते हो बिल्कुल ऐसे इस हिसाब से नॉर्मल आंखें हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब प्यूपिल और आयरिस की वजह से ही होता है, क्योंकि तेज प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो आंखों को कम प्रकाश चाहिए होगा, इसके लिए आयरिस कंट्रोल करेगा, आयरिस सिकुड़ेगा, प्यूपिल के आकार को कम करेगा ताकि प्रकाश आंखों में कम पहुंच सके। और अगर मंद प्रकाश होगा तो आंखों को ज़्यादा प्रकाश चाहिए होगा, इसलिए आयरिस है शिथिल होगा और प्यूपिल के आकार को बढ़ाएगा, इसलिए अधिकतम है वो प्रकाश आंखों में पहुंच सके। इस प्रकार से आपका ये आंख की जो स्ट्रक्चर है वो आज कंप्लीट हुई है, और आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि क्या पढ़ना है आगे। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।